फुल फेस मेथड में क्या होगा, पूरा क्रॉस सेक्शन एक साथ, पूरा क्रॉस सेक्शन एक साथ है इसका मतलब उसका डाया कम होगा, डाया 3 मीटर। और किसके लिए यूज होगा, अनस्टेबल रॉक के लिए यूज नहीं होगा, अनस्टेबल रॉक के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। हेडिंग बेंचिंग का मतलब नाम से समझ आ रहा है, हेडिंग यानी कि टॉप फोर पोर्शन जो है वो पहले ड्रिल होगा, बाद में बॉटम, यानी कि ये बड़े डाया के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा डाया एक साथ नहीं निकाल रहे, पार्ट्स में निकाल रहे हैं, तो ये बड़े डाया के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो डाया वेरी लार्ज सुटेबल फॉर अनस्टेबल सॉफ्ट रॉक, याद रखना, ठीक है, बात सही है कि ये रॉक के लिए है, पर कौन से रॉक के लिए, सिर्फ सॉफ्ट रॉक के लिए। वो सॉफ्ट रॉक कौन से होते हैं, ऑब्वियसली हार्ड रॉक तो स्टेबल होते हैं, वो तो टूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं कि मतलब वो तो आप ड्रिल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ कम है तो इधर उधर से गिरने लगेंगे, ऐसे समझो, ठीक है। सॉफ्ट रॉक क्या है कि आपने कहीं से तोड़ा और कहीं और से भी टूट के साथ में गिर गया, तो यानी कि अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल सॉफ्ट रॉक होते हैं उनके लिए भी ये सही है, ठीक है। अनस्टेबल, अनस्टेबल कौन से रॉक होंगे, जो सॉफ्ट होंगे, तो अनस्टेबल सॉफ्ट रॉक के लिए भी हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड सही है, क्योंकि क्योंकि हम इसमें पार्ट्स में कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कि पूरा पूरा करने से क्या होगा कि बहुत, अगर पूरा पूरा करेंगे जैसे इसमें फुल फेस मेथड में पूरा कर रहे थे, बहुत ज्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, दूर के पत्थर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम पार्ट्स में कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस कम रहेगा दूर तक, यानी कि आप इसको सॉफ्ट रॉक अनस्टेबल रॉक में भी हेडिंग बेंचिंग मेथड को यूज कर सकते हो। बेड रॉक नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जब बेड रॉक यानी कि बेड रॉक सेटिस्फैक्ट्री ना हो तब भी यूज कर सकते हैं। इसमें साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग भी होती है और मकिंग भी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेडिंग एंड बेंचिंग में देखो नाम से ही पता है टॉप पोर्शन, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग बेंचिंग में टॉप पोर्शन पहले करते हैं, यानी कि पार्ट्स में कर रहा हूं, यानी कि डाया लार्ज होगा, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है कि ये सॉफ्ट रॉक में यूज कर सकते हैं, रीजन समझ आई गया, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कम होता है तो सॉफ्ट रॉक में हम लोग यूज कर पाएंगे, इधर उधर से गिरेंगे नहीं, तो ये सुटेबल होते हैं सॉफ्ट रॉक के लिए या फिर अनस्टेबल सॉइल्स के लिए, अनस्टेबल रॉक के लिए, ठीक है। छठी चीज, ये वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे बेड रॉक सेटिस्फैक्ट्री ना हो। सातवीं चीज, इसमें मकिंग, मकिंग मतलब बाहर निकालना, और ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग और मकिंग साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ हो सकती है, इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें पहले खोदोगे इसमें बाहर निकालोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग और मकिंग पॉसिबल है। अब ड्रिफ्ट मेथड कर लेते हैं, देखो ड्रिफ्ट मेथड में क्या होगा, ड्रिफ्ट करना है, देखो फर्स्ट कैरिड आउट इन स्मॉलर सेक्शन, जो स्मॉलर सेक्शन है जैसे हॉर्स शू है, ठीक है, स्मॉलर सेक्शन ये वाला है, तो इसमें पहले कैरी आउट होगा, फर्स्ट कैरिड आउट इन स्मॉलर सेक्शन एंड देन इट इज वाइडेंड, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरी टनल है, तो मैं पहले इतने को करूंगा, फिर इतने को, फिर इतने को, फिर इतने को, तो यानी कि फर्स्ट कैरिड आउट इन स्मॉलर सेक्शन एंड देन वाइड एंड। तो आपको नाम ये देखो, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं और यहाँ पे भी, दोनों में इसमें भी क्या था, पार्ट्स में कर रहे थे, इसमें भी पार्ट्स में ही हो रहा है, पर फर्क क्या है, इसमें अब देखो पूरी टनलिंग ये है, तो मैं टॉप को पहले कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पार्ट्स में जाने, इसमें क्या होगा, मैं सेंटर उठाऊंगा और पहले उसको करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे वाइड एंड, ये वर्ड ध्यान रखना, वाइड वाला, वाइड एंड वाला, तो ये ड्रिफ्ट मेथड हो जाएगा। ड्रिफ्ट 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 क्या होता है, यहाँ पे खड़ा हूँ ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी कि खिंचा, मतलब मेरे को घिसा ड्रिफ्ट करके कोई ले जा रहा है आगे, ठीक है, तो यानी कि मैं बीच में हूं, कोई ड्रिफ्ट करके इधर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान रखना ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट में क्या होगा, वाइडन होगा, वाइडन हो रहा है, तो ऑब्वियसली पहले स्मॉलर सेक्शन करेंगे फिर वाइड करेंगे, तो फर्स्ट कैरिड आउट इन स्मॉलर सेक्शन देन इट इज वाइडन, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट मेथड। हेल्प्स इन वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजिव कम रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन ऑफ टिम्बर सपोर्ट बिकम इजी, परमिट करेक्शन मेजर इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। डिसएडवांटेज देखो, इंपॉर्टेंट क्या, देखो इसमें ड्रिफ्ट मेथड में ड्रिफ्टिंग हो रही थी, तो यानी कि पहले बीच वाला उसके बाद बाहर वाला वाइड इन किया जाएगा, ठीक है। पहली पॉइंट तो ये याद है, कुछ आठवां पॉइंट हो गया, ये हो गया आठवां पॉइंट ड्रिफ्ट मेथड का, ठीक है। अब आठवां पॉइंट हो गया हेल्प्स इन वेंटिलेशन, याद रहेगा, कोई नहीं, टिक तो लगा नहीं है। एक्सप्लोजिव लेस रिक्वायर्ड पूछेगा नहीं। परमिट करेक्शन मेजर परमिट करता है किन केस में, अगर टनल में पानी आ जाए, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने टनल में पानी आने की बात नहीं की थी, तो जैसे ही टनल में पानी आया तो आप किसको टिक लगाओगे, ड्रिफ्ट मेथड को। और ये देखो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज टनल्स, लार्ज टनल के लिए सुटेबल नहीं है, तो आपसे पूछे लार्ज टनल के लिए कौन सा बेहतर मेथड है, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड लार्ज के, ये भी स्मॉल के लिए, ये भी स्मॉल के लिए, बीच वाला लार्ज के लिए, क्योंकि वो हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड है, ठीक है।
तो लार्ज मेथड लार्ज टनल के लिए हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड, तो ये देखो यानी कि ड्रिफ्ट मेथड भी नॉट सुटेबल फॉर लार्ज टनल एंड डिफिकल्ट रॉक, यानी कि डिफिकल्ट रॉक कौन से होते हैं, सॉफ्ट रॉक भी हो सकते हैं, हार्ड रॉक भी, आप वर्ड ध्यान देखें डिफिकल्ट रॉक। देखो फुल फेस मेथड सॉफ्ट रॉक के लिए नहीं चलेगा, कौन सा है, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड सॉफ्ट के लिए चलेगा, ड्रिफ्ट मेथड डिफिकल्ट रॉक के लिए नहीं चलेगा। अब डिफिकल्ट देखो यहां पे क्लियरली नहीं है, मेरे ख्याल से दोनों हो सकते हैं सॉफ्ट भी और हार्ड भी, डिफिकल्ट क्या है यानी कि उसको तोड़ना मुश्किल है तो वहां पे भी ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कौन सा है, डिफिकल्ट रॉक और सॉफ्ट रॉक, तो आपको डिफिकल्ट अगर वर्ड दिखाई दे तो ड्रिफ्ट मेथड का यूज करना। अब देखो ड्रिफ्ट देखो कैसे की सकते हैं आप, ड्रिफ्टिंग सेंटर ड्रिफ्ट है जो मैंने बताई थी, सेंटर ड्रिफ्ट बीच से आगे जाना, ठीक है। एक होती है साइड ड्रिफ्ट, मतलब साइड से इधर उधर जाना, टॉप मतलब टॉप से नीचे ऊपर, बॉटम से मतलब बॉटम, यानी कि चारों डायरेक्शन में, साइड टॉप बॉटम और सेंटर, ड्रिफ्ट चार तरह की होती है, साइड टॉप बॉटम और सेंटर, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग आपसे पूछेगा कि कितने तरह की ड्रिफ्टिंग होती है या फिर किस किस मेथड से ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं या फिर किन किन पोजीशन से ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं, आप बोलोगे टॉप बॉटम साइड और सेंटर ड्रिफ्ट। तो ये हो गया टनलिंग इन रॉक, खत्म टनलिंग इन रॉक। इसमें याद क्या करना है, तीनों मेथड कौन सी सॉइल में यूज होते हैं, किस डाया के लिए यूज होते हैं, इनका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। फुल फेस मेथड पूरा सेक्शन एक साथ होगा, कम डाया, अनस्टेबल होता है, नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक, ये भी नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक। और ये इसमें क्या करते हैं, ड्रिफ्ट मेथड है, यानी कि पहले छोटा सेक्शन मानेंगे उसके बाद उसको वाइड करेंगे, दूसरा अगर पानी आ जाए तो उसमें ये फायदेमंद हो जाता है। हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड में क्या था, हेडिंग बेंचिंग में टॉप पोर्शन को पहले करेंगे, इसलिए लार्ज डाया होगा, लार्ज डाया है तो यानी कि ये पार्ट्स में कर रहा है, पार्ट्स में कर रहा है यानी कि ये सॉफ्ट रॉक के लिए भी काम कर जाएगा, और इसमें साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग और मकिंग होगी, ठीक है। अब याद करना है टनल्स इन रॉक, टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड मेथड, टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड मेथड, टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड, उसके मेथड कौन से हैं। देखो टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये याद रखना, टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ना कि टनल्स इन रॉक, ठीक है। तो टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, किस बेसिस पे, टिम्बर के बेसिस पे, कि अगर टनल बनाने के लिए टिम्बर चाहिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए अगर टिम्बर चाहिए तो उसको बोलते हैं एक मेथड, अगर टिम्बर नहीं चाहिए तो उसको बोलेंगे दूसरे मेथड। अगर मैं तुम्हें सात मेथड याद करवा रहा हूं तो ये हैं टिम्बर वाले, इनको टिम्बर चाहिए, तो जो बचे कुचे होंगे वो नॉन टिम्बर हो जाएंगे। आपसे पूछेगा इन में से किस मेथड में टिम्बर यूज होती है नहीं होती है, तो वो मिक्स होंगे, हो सकता है उसमें रॉक का ऑप्शन भी हो, सॉफ्ट का भी, तो ऑब्वियसली हमें पता है रॉक में तो कहीं भी टिम्बर का नाम था ही नहीं, तो रॉक वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। फिर हम लोग इसका एक मेथड याद कर लेते हैं कि टिम्बर वाले कौन से मेथड थे, बचा आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा। देखो इंग्लिश और अमेरिकन आर्मी ने जर्मन बेल्जियम पे पोल गाड़ दिया, हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो यूके और अमेरिका साथ साथ में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी हमारे वर्ल्ड वॉर टू में जिससे लड़ाई करनी थी, तो जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने बेल्जियम पे पहला हमला करके पहले उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब गड़बड़ क्या हो गई कि बेल्जियम तो है, उसको बेल्जियम जो है वापस चाहिए था, हुआ क्या, अब मान लो कि जर्मन ने बेल्जियम पे हमला करके जर्मनी भी बेल्जियम एक साथ हो गए, जर्मन ने बेल्जियम पे हमला कर दिया था तो जर्मन बेल्जियम तो एक ही ज्वाइंट हो गया। अब हुआ क्या, देखो इंग्लिश और अमेरिकन मैन यानी कि अंग्रेज और अमेरिका के जो लोग थे, ठीक है, ये दोनों आपस में थे, यानी कि इंग्लिश अमेरिकन आर्मी ने, ठीक है, ऑब्वियसली जीता कौन था उसमें, अमेरिका वाले जीते थे, तो यानी कि इंग्लिश अमेरिकन आर्मी ने, तो हारा कौन होगा, जर्मन बेल्जियम पे पोल गार्ड, झंडा गाड़ देना, पोल गाड़ देना, ठीक है, पोल गार्ड दिए। तो कैसे याद करोगे, एक था इंग्लिश मेथड, एक था अमेरिकन मेथड, एक था आर्मी मेथड, नी मतलब नीडल मेथड, जर्मन मेथड, बेल्जियम मेथड, पोल मेथड। देखो फोर पोल मेथिंग, पोल वर्ड आ गया, पोलिंग मेथड, नीडल मेथड, नीडल आ गया, बेल्जियम आ गया, अमेरिकन आ गया, आर्मी मेथड आ गया, इंग्लिश मेथड आ गया और जर्मन मेथड आ गया। तो ये आपको ये स्टेटमेंट बस याद रखनी है कि इंग्लिश, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इंग्लिश अमेरिकन आर्मी ने जर्मन बेल्जियम पे पोल गार्ड दिए, ठीक है। ये सारे मेथड किसके हैं, जहां पे लकड़ी का यूज होता है। अब ये लकड़ी का यूज होता है इनमें नहीं होता, ये कैसे याद रखेगा, देखो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग बाद में शुरू हुई है, स्टील का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है ये याद रखो कि वो वर्ल्ड वॉर टू में उसकी शुरुआत हुई थी, और वैसे तो वर्ल्ड वॉर टू में हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, ज्यादा टिम्बर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि टिम्बर
पुश्तैनी है तो पुश्तैनी चीजों को यूज हो रहा होगा वर्ल्ड वॉर टू में, तो जब तक इतनी एडवांस चीजें तो आई नहीं थी समझ लो, ठीक है। तो यानी कि टिम्बर का यूज हो रहा होगा इन सारे मेथड में, किस किस में, अमरीकन इंग्लिश, अमरीकन या फिर अमरीकन इंग्लिश जैसे याद रहे, इंग्लिश अमरीकन आर्मी ने किस पे पोल गाड़े थे, जर्मन और बेल्जियन पे पोल गाड़े थे। तो यानी कि ये तो नाम से याद हो गया, इंग्लिश अमरीकन आर्मी तीन मेथड ही हो गए, जर्मन बेल्जियम दो पांच हो गए, एक पोल गार्ड यानी कि पोलिंग मेथड, फोर पोलिंग मेथड, नी बदला नीडल मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड हो गए अपने जिनको टिम्बर चाहिए, और जिनको टिम्बर नहीं चाहिए वो तीन मेथड कौन से हैं, जो बचे कुचे हैं यानी कि लीनियर प्लेट मेथड, शील्ड मेथड और कंप्रेस्ड एयर टनलिंग, यानी कि जो मेथड हमने पढ़े नहीं है वो सारे जिनको टिम्बर चाहिए होगी, ठीक है। तो अपने को याद रखना कि नॉट रिक्वायर्ड टिम्बर में लीनियर प्लेट मेथड है, शील्ड मेथड और कंप्रेस्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें ये तीन याद है, देखो तुम्हें तीन याद है और ये वाली लाइन याद है, तो जो बचा कुचा है वो टिम्बर वाला है, ठीक है। हमसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा मेथड टिम्बर का है, टिम्बर का नहीं है, तो अपने को सिर्फ नाम से ही मतलब है और किसी मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब एक एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी क्या हिसाब रहता है। देखो ये अमरीकन मेथड है, अमरीकन मेथड में क्या हो रहा है, देखो अमरीकन मेथड में टिम्बर यूज होगी, तो हाँ देखो टिम्बर यूज हो रही है, ये टिम्बर है, ये कैप्स हैं, ये टिम्बर है, ये लॉगिंग है, ये पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो अमरीकन मेथड में टिम्बर यूज होगी बिल्कुल। फोर पॉलिंग मेथड क्या होता है, स्लो होता है, स्किल लेबर रिक्वायर्ड है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नीडल मेथड में ये सुटेबल होता है उन सॉइल के लिए, सुटेबल फॉर सॉइल वेयर रूफ कैन स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स एंड मोर इकोनॉमिकल देन अदर्स। तो ये आपको याद रखना है, जहां पे रूफ खुद अपने दम पर कुछ मिनट के लिए खड़ी हो सकती है उसको वहां पे, और वहां पे हम लोग यूज करते हैं नीडल मेथड या फिर मोर इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल मेथड भी है, मोर इकोनॉमिकल मेथड भी है, ठीक है। तो नीडल मेथड कहां पे यूज करेंगे, जहां पे सॉइल खुद, जहां पे रूफ खुद अपनी ताकत से कुछ मिनट्स के लिए खड़ी हो सकती है उसमें नीडल मेथड यूज करेंगे, मोर इकोनॉमिकल होगा। कैसे याद रहेगा, देखो नीडल है, नीडल को अगर मैं खड़ा करना चाहूं तो झट से गिर जाती है, पर हो सकता है मैं किसी तरह बैलेंस कर दूं तो थोड़ी सी देर के लिए रुकी रहे, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकी रहे, तो ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रुकी रहे, अगर थोड़ी देर के रुकी है यानी कि फ्यू मिनट्स के लिए नीडल मेथड का यूज था और मोर इकोनॉमिकल था। बेल्जियम मेथड में देखो क्या, सुटेबल फॉर ऑल क्लास ऑफ मॉडरेट फर्म्स एंड हार्ड सॉइल्स। ऑब्वियसली याद रखना, देखो होगा क्या, बेल्जियम लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखी होगी और वहां पे रॉक कर देगा इसको, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये रॉक में यूज नहीं होगा, सॉइल में यूज होगा, चाहे कैसी भी सॉइल हो, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो। जहां पे हाइट ऑफ बर्डन स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, जहां पे हाइट ऑफ बर्डन, बर्डन मतलब जो टनल के ऊपर सॉइल है उसकी हाइट कम है। रूफ आर्च इज कंस्ट्रक्टेड बिफोर साइड वॉल्स, इसमें क्या है, ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो इसका जो रूफ आर्च होती है ये पहले बनाई जाती है वन नंबर, उसके बाद इसकी साइड वॉल्स बनती हैं, ठीक है, ऐसे आइए। तो रूफ आर्च इज कंस्ट्रक्टेड बिफोर साइड वॉल्स, ये आपको याद रखना है। फिर एग्जीक्यूशन दैट देयरफॉर बीइंग बाय ड्राइविंग द सेंट्रल हेडिंग व्हिच इज इनडायरेक्ट टुवर्ड्स स्पिंग, ये छोड़ो। फिर अमरीकन मेथड में क्या है, अमरीकन मेथड में पहले फर्स्ट टॉप देन साइड वाइडन की जाती है, ठीक है। ये सॉफ्ट ग्राउंड में यूज होता है, अमरीकन मेथड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सॉफ्ट ग्राउंड में यूज हो सकता है, ये दोनों में था। रेलवे और हाईवे में लिखा हो तो आप अमरीकन मेथड बोलना, लार्ज साइज टनल लिखा हो तो अमरीकन मेथड बोलना। नॉट सुटेबल किसके लिए, टनल हैविंग नॉन फ्लैट बॉटम, जिनका फ्लैट बॉटम नहीं है उनके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल, ये जैसी लाइन इसमें लिखी हुई है वैसी की वैसी लाइन स्टेटमेंट वहां पे होगी, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मेथड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट सुटेबल फॉर टनल हैविंग नॉन फ्लैट बॉटम, इनमें से कौन सा मेथड लगेगा, नहीं लगता है तो अमरीकन मेथड, क्योंकि ये सुटेबल है नहीं है नॉन फ्लैट बॉटम के लिए। सॉफ्ट ग्राउंड, रेलवे और हाईवे में कौन सा मेथड लगेगा, अमरीकन मेथड। लार्ज साइज टनल के कौन सा मेथड, अमरीकन मेथड। अमरीकन मेथड में क्या करते हैं, टॉप पहले फिर साइड को वाइडन, ठीक है। इंग्लिश मेथड क्या है, लॉट ऑफ टिम्बर यूज। आपको पूछेगा इनमें से किस मेथड में सबसे ज्यादा टिम्बर यूज होती है, तो आप बोलोगे इंग्लिश मेथड। इंग्लिश देखो, इंग्लिश यूके में सारे मकान लकड़ियों से बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप बोलो कि लॉट ऑफ टिम्बर यूज, एग्जीक्यूशन ऑफ फुल सेक्शन एट वंस, तो यानी कि फुल सेक्शन एट वंस को करता है, ठीक है। आर्मी मेथड, स्मॉल टनल। कैसे याद रखे, आर्मी मेथड में क्या होता है, जब लड़ाइयां होती थी तो छोटी छोटी टनल जिसमें से एक दो आदमी ही निकल सकते हैं वैसी बनाई जाती थी, तो आर्मी मेथड स्मॉल टनल। ऑब्वियसली आदमी ही उन टनलों को खोदते थे, इसलिए वो सॉफ्ट ग्राउंड में ही बनेंगी, रॉक वगैरह में नहीं बनेंगे, हार्ड ग्राउंड में भी नहीं बन पाएंगे। सीवर्स के लिए भी इनका यूज किया जाता है आजकल, ठीक है। तो आर्मी मेथड स्मॉल टनल, सॉफ्ट ग्राउंड, सीवर। जर्मन मेथड, एक्सकवेट फर्स्ट गैलरी इन साइड वॉल। तो ऑब्वियसली देखो समझो, अमरीका
या फिर जो है वो जर्मन से उल्टा काम करता है। तो अमेरिका में अगर टॉप को पहले वाइड कर रहे थे ना, तो जर्मन ने उल्टा कर दिया, उन्होंने साइड को पहले करूंगा मैं तो एक्सक्वेट फर्स्ट गैलरी इन साइड वॉल रूफ आर्च दिस देन एक्सक्वेटेड बिफोर टेकिंग आउट सेंटर ड्रिप इम्प्लॉय थ्री। इतने देखो ये डायग्राम याद रखना बस। जर्मन मेथड है, साइड की पहले की जाएंगी, बीच की बाद में। बेल्जियम मेथड में क्या होगा, टॉप पहले होगा, फिर ये टॉप का जो आर्च सेक्शन है, फिर साइड, फिर मिड, फिर लास्ट में होगा साइड। तो आपको ये देखना, जर्मन बेल्जियम मेथड था, जर्मन और बेल्जियम है, हमें पता था जर्मन ने बेल्जियम पे क्या किया था, हमला किया था, तो यानी कि ये दोनों ऑपोजिट रहे होंगे, लेकिन जर्मन ने बेल्जियम पे हमला करके क्या किया था, उसको अपने हाथ में कर लिया था। तो यहाँ पे इसलिए अमेरिका और इंग्लिश ने बेल्जियम पे भी झंडे गाड़ने पड़ेंगे ना, तभी तो वो जर्मन से आजाद होगा, ठीक है। तो यानी कि जर्मन और बेल्जियम में भी उल्टे काम हो रहे होंगे, ठीक है। तो जर्मन में क्या था, टॉप को, जर्मन में क्या था, जो बॉटम की साइडिंग्स हैं उनको पहले करना है, और बेल्जियम में क्या था, टॉप को पहले करना है। तो ऑब्वियसली बेल्जियम भी अमेरिका के साथ था शुरू में, तो हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम में भी अमेरिका जैसा हो रहा होगा, अमेरिका में भी फर्स्ट टॉप देन साइड वॉइडन। तो आप एक चीज याद रखो और बाकी सबको उसका ऑपोजिट कर देंगे हम लोग। हम लोग याद करते हैं जर्मन, जर्मन वालों ने साइड में, देखो जर्मन वाले सीधे हमले नहीं किए, उन्होंने क्या किया, इधर उधर से घुसे, यानी कि साइड से घुसेंगे वो, ठीक है। तो साइड से उन्होंने पहले किया, उसके बाद इधर उधर गए, ठीक है। तो अमेरिकन जर्मन मेथड साइड से, आपको तो दो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मेथड फर्स्ट टॉप देन वाइड, सॉफ्ट ग्राउंड में यूज होगा, रेलवे टनल हाईवे में यूज होगा, लार्ज साइड टनल के यूज होगा, नॉट सुटेबल किसके लिए, जिसका फ्लैट बॉटम नहीं है, ठीक है। लॉट ऑफ टिम्बर किस में यूज होती है, इंग्लिश मेथड में। आर्मी मेथड स्मॉल टनल सॉफ्ट ग्राउंड सीवर के लिए। जर्मन मेथड फर्स्ट गैलरी इन साइड वॉल्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये मेथड हो गए, इनके नाम हो गए। इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बचा कुचा होगा वो यही, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से मेथड है जो टिम्बर का यूज नहीं करते, नॉट रिक्वायर्ड टिम्बर। तो आपको पता ही है, आपको ये वाली लाइन याद है, तो आपको ये याद है कि टिम्बर वाले कौन से हैं। आपको रॉक वाले याद हैं, फुल फेस ड्रिफ्ट और हेडिंग एंड बेंचिंग, वो तीन याद हैं। तो ऑब्वियसली वो याद हैं, ये याद हैं, तो बचे कुचे ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता ही दिया, एक ये लाइन लिखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये लिखोगे तो ये हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अमेरिकन मेथड, जो कि सॉफ्ट ग्राउंड रेलवे टनल हाईवे के लिए यूज होता है, लार्ज साइज टनल के यूज होता है, जहां पे यूज नहीं करता वो क्या है, जहां पे फ्लैट बॉटम नहीं है वहां यूज नहीं करना है। फिर आपसे पूछेगा लॉट ऑफ टिम्बर किस में यूज होते हैं, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग थे, जो यूके के लोग थे, वो लकड़ियों के घर बनाते हैं। आर्मी मेथड में स्मॉल टनल यूज होती है, लार्ज टनल आपको स्मॉल टनल क्योंकि लोग खोदते हैं, स्मॉल टनल होगी, सॉफ्ट ग्राउंड में होगी और अब सीवर के लिए यूज होती है। हमें पता है जर्मन हमेशा उल्टा काम करते थे, तो साइड से पहले खोदेंगे, बीच भी फिर बीच में जाएंगे, और कोई भी मेथड हो तो वो बीच से काम शुरू करेगा, ठीक है। हो गया, अब ये तीन है, ठीक है। अब ये तीन मीथ है, जो ये वाले तीन थे जिनको टिम्बर की जरूरत नहीं है, लीनियर प्लेट मेथड, शील्ड मेथड एंड कंप्रेस्ड एयर टनलिंग। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर नाम याद रखने, देखो क्या क्या आपसे पूछेगा, कंपोनेंट्स ऑफ शील्ड, ये एक आदमी बना हुआ है, ठीक है। शील्ड मेथड में कंपोनेंट ऑफ शील्ड पूछेगा, पूछा हुआ है, कटिंग एज पूछा हुआ है शायद पहले, है ना। तो हो सकता है कोई और भी पूछ ले, हम देख लेते हैं कैसे। देखो ये एक आदमी है जिसने सिर पे टोपी लगाई हुई है, यानी कि हुड भी इसका एक पार्ट है। शील्ड का शील्ड मतलब होता है शील्डिंग करना, शील्डिंग मतलब बचाव करना, यानी कि शील्ड मेथड में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे पहले देखते हैं। एक आदमी है, एक योद्धा है, उसने सिर पे टोपी पहनी हुई है, यानी कि वो हुड है। स्किन जो है वो भी उससे बचाव दे रही है। दूसरा, उसके हाथ में कटिंग एज, तलवार टाइप का कुछ है, ठीक है। एक उसमें हाथ में जैक ले रखा है उसने, देखो, ठीक है। एक उसमें पोर्ट होल्स, इसमें क्या है, एक आगे जो हम लगाते थे कवच वैसा लगाया, उसमें छेद छेद है, ठीक है, छेद छेद है, लोहे का कवच है इसमें छेद छेद है। तो पोर्ट होल्स और टेल, एक उसकी पूंछ भी निकली हुई है, या अजय हनुमान जी हैं, इनकी पूंछ भी निकली हुई है, ठीक है, टेल हो गया। तो कौन कौन से मेथड है, एक आदमी सोचो जिसके सिर पे टोपी थी यानी घोड़ था, उसकी स्किन भी उसे बचाती है, एक कवच है जिसमें होल्स हैं, और तो इन, जब ये ऐसा आदमी सोचोगे तो अपने आप कुछ ना देखो, स्किन थी, हाथ में तलवार थी, प्रोपेलिंग, एक हाथ में जैक था उसके, पोर्ट होल्स यानी कि जो कवच था उसमें होल्स थे, बिल्कुल बंदर बंदर था तो टेल हो गई, और होड़ तो टोपी तो है ही है, ठीक है। एक था हॉलिंग, एक था मकिंग। मकिंग क्या होता है, देखो मकिंग होता है लोड को लोडिंग करना, सेल्फ मकिंग मतलब जो जो वेस्ट निकला है उसको लोड करने को बोलते हैं मकिंग, और हॉलिंग होता है उसको लेके जाना कार से, ठीक है।
याद रखना, हॉकिंग और मकिंग और हॉलिंग की हो सकता है डेफिनेशन दो स्टेटमेंट देके पूछ ले और दोनों में वर्ड एक्सचेंज कर दे। तो हॉलिंग का मतलब तो हमें पता ही, हमने क्यूट में भी पढ़ता था हॉलिंग, हॉल टाइम हॉल डिस्टेंस, तो यानी कि वो तो चलने की बात कर रहा है। मकिंग का मतलब हो गया भरना, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक तो लीनियर प्लेट मेथड था, उसके कोई उसका तो नाम याद रखना है। शील्ड मेथड था, शील्ड के कंपोनेंट हमने देखे, एक आदमी है जिसने टोपी लगा रखी है, वो टोपी उसे बचाएगी, एक हाथ में उसके तलवार है, एक हाथ में उसके जैक हैमर है। हैमर कैसे याद रहेगा, जो एक मूवी में हैमर वाला याद है ना, जैक हैमर, हमें यह पता, हमें जैक हैमर याद है, हमें पता है एक आदमी था मूवी में जिसके पास हैमर था, जो भी थॉर, हाँ थॉर हो गया, तो यानी कि जैक हैमर जैसा कुछ भी था। अच्छा, एक योद्धा है तो उसने कवच भी पहना हुआ, उस कवच में क्या, लोहे का कवच है, तो ऑब्वियसली उसमें चेन्स लगी हुई है, चेन्स है, उन चेन में क्या होगा, छेद होंगे, यानी पॉट होल्स जैसा कुछ हो सकता है। दूसरा, उसके एक पूंछ भी बताई थी, एक पूंछ भी बताई थी। अच्छा जी, बस, तो और क्या चाहिए, पूंछ हो गई, टोपी हो गई, होल्स हो गए, जैक हो गया, कटिंग एज हो गया, स्किन हो गई। और इंपॉर्टेंट वर्ड इस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब एक्वस स्ट्रेटा। तो आपसे पूछा होगा सीधा सीधा कि क्या पूछा होगा कि कौन में से कौन सा मेथड सब एक्वस स्ट्रेटा में यूज होता है, सब एक्वस स्ट्रेटा में इनमें से कौन सा मेथड यूज होता है, आप बोलोगे शील्ड मेथड, ठीक है। तो सब एक्वस स्ट्रेटा में कौन सा मेथड यूज होता है, तो शील्ड मेथड, सब एक्वस स्ट्रेटा। अब देखो, सब एक्वस मतलब पानी। अब पानी दो जगह देख लिया हमने, एक था कि अगर चंद्र में पानी आ जाए तो कौन सा मेथड यूज करोगे, याद आया, फुल फेस पहले था, फिर हेडिंग बैंचिंग था, उसके बाद एक ड्रिफ्ट मेथड आ, ठीक है, ड्रिफ्ट मेथड। उस ड्रिफ्ट मेथड में मैंने बताया था कि हम लोग अगर बीच टनल में पानी आ जाए तो वहां पे भी काम चल जाता है। देखो, परमिट करेक्शन मेजर इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसमें, ड्रिफ्ट मेथड में। अब पानी दूसरी बार आया है, पानी दूसरी बार वर्ड आया है इस पूरे चैप्टर में, जहां पे कहां पे यूज हुआ है, सबसे लास्ट में यूज हुआ है, जहां की चीजें हमने पढ़ी भी नहीं थी वहां पे पानी का यूज हुआ है। पानी जहां पे हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा क्या था, रॉक के तीन मेथड, हमने पढ़ा था एक स्टेटमेंट जिसमें वो सात आठ मेथड थे कि अमरीका और यूके यानी इंग्लिश मैन ने आर्मी के द्वारा बेल्जियम और जो जर्मन थे उन पे पोल गाड़ दिए थे। वो जो हमने पढ़ा क्या नहीं था, हमने वो नहीं पढ़ा था जिसमें टेम्बर यूज नहीं होती है, यानी कि ये पानी, पानी दो जगह आया था, एक तो शुरू में, एक लास्ट में। अब आपसे पूछा है सब एक्वस है स्ट्रेटा, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटा की बात हो रही है, यानी कि पानी की बात हो रही है, और तो ये सबसे लास्ट में आया था। और सबसे बात ये है कि इम्पोर्टेंट कि हमने ये पढ़ा नहीं था, किसी भी मेथड में आया नहीं था, इसका मतलब ये क्या है, उन बचे कुचे मेथडों का आंसर है, इसका आंसर वो है जो बचा कुचा है, बचा कुचा यानी कि जो हमें नहीं पता है। तो हमें तीन मेथड तो पता है, फुल फेस, ड्रिफ्ट और हेडिंग बेंचिंग, तो वो तीन मेथड हटा दो, उसके बाद एक लाइन हटा दो, क्या, इंग्लिश और अमेरिकन ने जर्मन और बेल्जियम पे पोल गाड़ दिए, तो वहां से इतने सारे मेथड हट गए, बचे कितने, लीनियर, शील्ड और एक मेथड कौन सा है, कंप्रेस्ड एंड रिटर्निंग, यानी कि इन तीनों में से जो आंसर आपको मिलेगा वही सब एक्वेस का आंसर होगा। तो सब एक्वेस का आंसर अपने को तो पक्का से याद होना चाहिए, किस मेथड में यूज होता है, आदमी ने पानी लिया, युद्ध करने के लिए जाएगा तो पानी पी के जाएगा ना, हाँ, युद्ध करने के लिए जाएगा तो पानी पी के जाएगा, तो पानी पी के जाएगा, तो पानी का मेथड शील्ड मेथड है, शील्ड मेथड, शील्ड मेथड सब एक्वेस है स्टेटा के लिए यूज होगा, ठीक है। अब कंप्रेस्ड एयर टनलिंग, ऑब्वियसली देखो नाम से पता लगा कंप्रेस्ड एयर मार रहे हैं और टनलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हार्ड रॉक को तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट रॉक को करेंगे वाटर बियरिंग सॉइल्स जिनमें पानी होगा, तो यानी कि ये वाटर बियरिंग सॉइल्स के, यानी कि ये सारे मेथड जो हैं, जो नए वाले हैं, कंप्रेस्ड एयर टनलिंग, शील्ड, ये पानी में यूज हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड वाटर बियरिंग सॉइल्स। तो आपको इनमें कुछ नाम याद रखना, देखो पानी की करेक्शन के लिए फुल फेस मेथड, सब एक्वेसा स्ट्रेटा के लिए शील्ड मेथड, वाटर बियरिंग सॉइल्स, देखो वाटर बियरिंग सॉइल्स में और सब एक्वेसा स्ट्रेटा में फर्क है, वाटर बियरिंग सॉइल्स ऐसी सॉइल्स जिनमें पानी है, सब एक्वस स्ट्रेटा मतलब नीचे कहीं पे पानी का एक्वायर टाइप समझ सकते हो कुछ है, तो वहां के लिए भी सील्ड मेथड, कंप्रेस्ड एयर वाटर बियरिंग सॉइल्स एंड सॉफ्ट रॉक के लिए, एयर प्रेशर मारा जाता है, रिक्वायर टू फोर्स बैक द परकोलेटिंग H2O एंड वाटर सॉइल एंड कीप, इसमें टनल को ड्राई रखा जाता है, ठीक है, एंड कीप टनल ड्राई वेरीज विद एयर प्रेशर, किस तरह वेरी होगा, नेचर ऑफ ग्राउंड जैसा है, अगर ठीक है बिल्कुल सही, डेप्थ ऑफ कवर जैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। अपने को तीन मेथड याद करने हैं, और सील्ड मेथड सब एक्वस स्ट्रेटा, कंप्रेस्ड एयर सॉफ्ट एंड वाटर बियरिंग सॉइल्स, और शील्ड मेथड में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके नाम, बस। सेल्फ मकिंग इज यूज इन फुल फेस मेथड, सेल्फ मकिंग, फुल फेस मेथड क्या था, फुल फेस मेथड में हमने देखा कि पूरी हम, हाँ याद आ गया, मकिंग एंड ड्रिलिंग दोनों साइमल्टेनियस पॉसिबल थी, किसमें, ड्रिफ्ट वाले में थी ये, तो
साइमल्टेनियस अगर वर्ड लिखा हो साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग एंड मकिंग पॉसिबल है तो आप बोलोगे हेडिंग एंड बेंचिंग। और ये कॉल लाइन लिखी हुई कि सेल्फ मकिंग मतलब होता है खुद ही लोड कर लेना। सेल्फ मकिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मकिंग इज यूज इन फुल फेस मैथड। ये फुल फेस मैथड किसका है? रॉक का। मक रिमूवल, मक रिमूवल का मतलब होता है टनल हॉलेज, टनल हॉलेज मक रिमूवल ही है वर्ड, ठीक है। तो इसको ये भी याद रखना कि मक रिमूवल मतलब टनल हॉलेज, ठीक है, आपस में रिलेटेड है दोनों वर्ड, ठीक है। और सेल्फ मकिंग पॉसिबल है फुल फेस मेथड में, ये भी याद रखना, फुल फेस मेथड में सेल्फ मकिंग पॉसिबल है। तो हम ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं फुल फेस मेथड में सेल्फ मकिंग पॉसिबल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ मकिंग हो गया, ठीक है। तो अब है वेंटिलेशन और लाइटिंग, बहुत चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें, जल्दी से कवर करते हैं और ये कवर हो जाए। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन हो सकती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड। मैकेनिकल कौन कौन सी होती है? ब्लोइंग कर दो, एग्जॉस्ट फैन लगा दो, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लोइंग प्लस एग्जॉस्ट लगा दो। एग्जॉस्ट में मोटर फैंस का यूज होता है, एग्जॉस्ट फैंस। ब्लोइंग कहाँ पे? ओनली फॉर टनल जिनकी लेंथ फ्यू हंड्रेड मीटर लॉन्ग हो, बस इसमें ब्लोअर फॉन यूज होंगे। तो आपसे ब्लोइंग, आपसे तो वेंटिलेशन का मेथड पूछेगा, ब्लोइंग एग्जॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है? ब्लोइंग प्लस एग्जॉस्ट। वेंटिलेशन का मेथड सबसे अच्छा कौन सा है? ब्लोइंग और एग्जॉस्ट फैन। करते क्या है, सून आफ्टर ब्लास्टिंग एग्जॉस्ट सिस्टम इज यूज टू ड्रॉप स्मोक एंड गैस, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ टाइम इट इज रिवर्स्ड सप्लाई फ्रेश एयर। समझिए आ गया, ठीक है। फिर देखो लाइटनिंग टनल में कितनी होनी चाहिए? 260 लुमिनस पर मीटर स्क्वायर, याद रखना 260। हमने दो ही चीजें देखी हैं टनल में, क्या 2.8 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर लाइनिंग का, और लाइटनिंग कितनी है? 260, 250 के आसपास लाइटिंग। लाइटनिंग की यूनिट होती है लुमिनस पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बस कट एंड कवर टनल, कट एंड कवर टनल शैलो टनल्स के लिए यूज ये मेथड होता है, कट एंड कवर टनल शैलो टनल्स के लिए जो मेथड यूज होता है वो है कट एंड कवर टनल, ठीक है, ये याद रखना, कट एंड कवर टनल शैलो मेथड्स के लिए यूज होता है, कट एंड कवर टनल, कट एंड कवर टनल शैलो टनल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज के दो मेथड है, रूफ ऑफ टनल, टनल के जो रूफ है वहां से पानी को निकाल दो, यानी कि आपने जो देखें जो छत पे कॉरुगेटेड शीट्स लगी होती हैं वहाँ कॉरुगेटेड शीट्स का यूज़ करते हो, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए गड्ढे खोल दो या फिर पंपिंग सिस्टम लगा दो। तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हो ड्रेनेज सिस्टम का काम, तो ठीक है। अगला है थ्री टाइप्स ऑफ टनल्स होती हैं, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो बुक में नहीं मिलेगा। थ्री टाइप्स ऑफ टनल, कट एंड कवर टनल कब यूज की जाती है? शैलो टनल हमने पढ़ी लिया, कट एंड कवर टनल शैलो टनल के लिए यूज की जाती है। बोर्ड टनल्स, बोर्ड क्या होती है? बोर्ड हमें पता है कंस्ट्रक्टेड इन सीटू विदाउट रिमूविंग द ग्राउंड अबाव, ये इन सीटू कंस्ट्रक्ट की जाती है विदाउट रिमूविंग द ग्राउंड अबाव। तो कट और कवर मेथड में एक चीज देख लेते हैं, क्या सिंपल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर सेलो टनल्स वेयर अ ट्रेंच इज एक्सकवेटेड रूफ्ड ओवर विद अ ओवरहेड सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग इनफ टू कैरी द लोड ऑफ व्हाट इज टू बी बिल्ड अबाउट, मतलब नहीं है, हमें याद रखना है बस शैलो टनल्स के लिए कट एंड कवर मेथड यूज होता है। लूज सॉइल्स विद हाई वाटर टेबल विल हैव वेरी लो शियर स्ट्रेंथ बिकॉज सो डायरेक्ट टनल विल बी डिफिकल्ट। तो अगर आपको लिखा हो लूज सॉइल्स जिनमें हाई वाटर टेबल है तो कौन सा यूज करोगे? कट एंड कवर, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट मेथड यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो लूज सॉइल्स विद डायरेक्ट वाटर विल हैव वेरी लो शियर स्ट्रेंथ सो डायरेक्ट टनलिंग विल बी डिफिकल्ट, इसलिए हम यूज कर सकते हैं कट एंड कवर टनलिंग। डायरेक्ट टनलिंग में क्या हैवी ट्रैफिक हो, डीपर टनल हो, ठीक है। तो आप अगर आपको वर्ड मिले हैवी ट्रैफिक, अगर आपको वर्ड मिले डीपर लेवल है तो आप डायरेक्ट टनल को टिक कर देना, अगर आपको मिले शैलो वर्ड है लाइट ट्रैफिक और वाटर टेबल हाई है तो आप कट एंड कवर मेथड को टिक कर देना। आपको बस ये याद रखना है कि कट कवर में शैलो टनल थी, डायरेक्ट टनलिंग में ट्रैफिक ज्यादा हो तो डायरेक्ट टनलिंग करो, डीपर लेवल हो तो डायरेक्ट टनलिंग करो, कट कवर कवर हो कब कट कवर का मेथड जो शैलो टनल हो या फिर लाइट ट्रैफिक हो तो कट कवर, या फिर वाटर टेबल हाई हो तो कट एंड कवर मेथड का यूज करो, ठीक है। तो हमें तो यही दो चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट मेथड कब यूज होता था? जब ट्रैफिक हाई है या फिर डीपर टनल है, और ये वाली कट कवर कब यूज होता था एक याद करो, दूसरा उसका उल्टा करना है। कट कवर याद करते हैं क्योंकि इसमें तीन पॉइंट्स हैं। कट कवर क्या होगा? शैलो टनल के लिए वाटर जब टेबल हाई हो और जब ट्रैफिक लाइट हो, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा उसका उल्टा, जब डीपर टनल हो और ट्रैफिक हाई हो, इसमें लाइट ट्रैफिक है, इसमें हाई भी ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये आपका टनलिंग खत्म हो गया।